तो हे गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। मेरा नाम है प्रेम सिंह और आप देख रहे हैं अर्निंग प्लानर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने टेलीग्राम अकाउंट के अंदर टू स्टेप वेरिफिकेशन वाली सेटिंग को किस तरीके से ऑन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि आपको अपने टेलीग्राम अकाउंट को सिक्योर रखना है और आप चाहते हो कि कोई भी आपके टेलीग्राम अकाउंट को एक्सेस ना कर सके, भले ही उसके पास में आपके टेलीग्राम अकाउंट का ओटीपी या फिर नंबर अवेलेबल हो, तब भी वो आपके टेलीग्राम अकाउंट को ना चला सके, तो आपको टू स्टेप वेरिफिकेशन वाली सेटिंग को ऑन करना ही पड़ेगा। क्योंकि फ्रेंड्स, इस सेटिंग को इनेबल करने से क्या होता है कि जब कोई भी नया बंदा आपके टेलीग्राम नंबर से लॉगिन करने की कोशिश करता है, तो वहां पर आपको पता होगा कि उस मेंबर से टेलीग्राम का ओटीपी मांगा जाता है। तो चलो मान लीजिए वो मेंबर जो कहीं से आपके टेलीग्राम का ओटीपी भी ले लेता है और उसको एंटर कर देता है, तो टेलीग्राम का ओटीपी एंटर कर देने के बाद में वहां पर उससे वो एक पासवर्ड पूछेगा टेलीग्राम। अगर उसको वो पासवर्ड नहीं पता ना, तो वो आपके टेलीग्राम अकाउंट को एक्सेस ही नहीं कर पाएगा, यानी कि आपके टेलीग्राम अकाउंट के अंदर वो लॉगिन ही नहीं कर पाएगा। तो यदि आपको भी पूरी प्रोसेस जानने की आप अपने टेलीग्राम अकाउंट के ऊपर टू स्टेप वेरिफिकेशन वाली सेटिंग को किस तरीके से ऑन कर सकते हो, तो इस वीडियो को कम्प्लीटली देखना। और इस वीडियो के नीचे आपको एक सब्सक्राइब का बटन मिल जाएगा, सिंपली आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अपने टेलीग्राम अकाउंट को ओपन कर लिया। टेलीग्राम अकाउंट को ओपन कर लेने के बाद में यहाँ पर देखिए आपको थ्री डॉट का एक ऑप्शन मिल जाएगा, आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक कर देने के बाद में आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर देखिए सेटिंग्स का एक ऑप्शन मिल जाएगा, आपको सिंपली सेटिंग्स वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। सेटिंग्स वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देने के बाद में यहाँ पर देखिए प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी के नाम से आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, आपको सिंपली इस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक कर दो, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगा जिसका नाम है टू स्टेप वेरिफिकेशन, जिसके सामने लिखा हुआ है ऑफ। इसका मतलब ये है कि अभी जो टू स्टेप वेरिफिकेशन वाली सेटिंग है ये अभी ऑफ है। इसको ऑन करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, ये जो ऑफ लिखा हुआ है ना, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हो, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जिसके यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे गए हैं। अगर आपको उनको रीड करना है तो रीड कर सकते हो, अदरवाइज आपको सिंपली क्या करना है, सेट पासवर्ड के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हो, तो ये आपसे आपका पासवर्ड पूछेगा, तो यहाँ पर आपको एक अच्छा सा पासवर्ड क्रिएट कर देना है, जिससे कोई अंदाजा भी ना लगा सके कि कोई किसी के पास में ये वाला पासवर्ड भी अवेलेबल है। अदरवाइज आप नॉर्मली पासवर्ड भी रख सकते हो, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके का कुछ भी पासवर्ड आप रख सकते हो। यहाँ पर मैं सिंपली क्या करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 तो यहाँ पर मैंने इस तरीके का पासवर्ड रख दिया। फ्रेंड्स, आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपका जो पासवर्ड है ना, वो कम से कम 8 वर्ड्स का होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने गिनती भी लिखी है, तो वो 8 तक की लिखी है, 8 से ज्यादा का ही होना चाहिए आपका पासवर्ड। इस चीज को ध्यान रख लेना आपको, ठीक है। पासवर्ड जैसे आप एंटर कर देते हो, यहाँ पर देखिए एरो का आइकन आपको मिलेगा, आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक कर देने के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं फिर री एंटर पासवर्ड लिखा हुआ है। इसका मतलब यह है कि अभी भी आपने जो पासवर्ड एंटर किया था ना, आपको उसी पासवर्ड को यहाँ पर आपको फिर से एंटर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं वापस से लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8। वापस से लिख देने के बाद में सिंपली यहाँ पर देखिए एरो का आइकन है, मैं सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर देखिए हिंट के लिए बोलेगा। फ्रेंड्स, हो सकता है कि इन फ्यूचर आपने जो पासवर्ड सेट किया है, वो पासवर्ड आप किसी वजह से भूल जाओ, तो आपको यहाँ पर एक ऐसा हिंट लिखना है जिससे सिर्फ आप ही का दिमाग पता लगा पाए कि हाँ, वो पासवर्ड हो सकता था यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से हिंट आप लिख सकते हो, जैसे कि मैं लिख देता हूँ SERIEL SERIAL NUMBER। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने सीरियल नंबर लिख दिया। इससे क्या होगा कि मुझे एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ, सीरियल नंबर से मैं सोच लूंगा हाँ, शायद हो सकता है मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 तक की गिनती ली हो। इस तरीके से यहाँ पर आपको एक हिंट मिल जाता है कि आपका पासवर्ड जो है ये हो सकता है, ठीक है। इतना कर लेने के बाद में आपको क्या करना है, एरो के ऊपर क्लिक करना है। फ्रेंड्स, ध्यान रखना कि हिंट के अंदर आपको अपना पासवर्ड एंटर नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो जो भी आपके अकाउंट को लॉगिन करने की कोशिश कर रहा है ना, उसको यहाँ पर आपके पासवर्ड के बारे में भी पता चल जाएगा, तो वो डायरेक्टली पासवर्ड एंटर कर देगा और आपके जो टेलीग्राम अकाउंट हो उसको ओपन कर लेगा। तो आपको सिंपली क्या करना है, जैसे आप हिंट लिख देते हो, आपको यहाँ पर एरो के निशान के ऊपर क्लिक कर देना है। अगर आपको हिंट नहीं लिखना है, आपको लगता है कि आपका जो पासवर्ड वो आप हमेशा के लिए याद रख सकते हो, आप नहीं भूलोगे कभी भी, तो आपको सिंपली स्किप के ऊपर आप क्लिक कर सकते हो। यहाँ पर मैंने सीरियल नंबर के नाम से हिंट लिख दिया है, मैं सिंपली क्या कर दूंगा, एरो के ऊपर क्लिक कर दूंगा। जैसे मैं एरो के ऊपर क्लिक करूंगा, यहाँ पर मुझसे ईमेल आईडी पूछेगा, तो यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी जरूर से डाल देनी, क्योंकि अगर इन फ्यूचर आप अपना जो पासवर्ड है उसको भूल जाते हो, तो पासवर्ड भूल जाने की कंडीशन में आपको ईमेल के ऊपर ही एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, जिससे आपका जो टेलीग्राम अकाउंट है वो आप ओपन कर पाओगे फिर से। तो यहाँ पर मैं अपनी ईमेल एड्रेस डाल देता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अपनी ईमेल आईडी को एंटर कर दिया। ईमेल आईडी डाल देने के बाद में यहाँ पर देखिए एरो का आइकन आपको एक मिल जाएगा, आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ प्रोसेसिंग लेगा और यहाँ पर देखिए वेरिफिकेशन कोड पूछेगा।
तो आपको क्या करना, आपने अभी भी जो जो ईमेल आपने एंटर करी है ना, आपको उस ईमेल को ओपन कर लेना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने जीमेल अकाउंट को ओपन कर लिया। जीमेल अकाउंट को ओपन कर लेने के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं टेलीग्राम की तरफ से मुझे एक मैसेज आया हुआ है, जिसके अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रहा हमारा ओटीपी। आपको सिंपली क्या करना है, इसको अपने टेलीग्राम अकाउंट के ऊपर डाल देना है। मैं सिंपली क्या करता हूँ, यहाँ पर आपको इसको लिख देना है 82 0 4 11। ये मेरा ओटीपी था जो मुझे जीमेल पर रिसीव हुआ था, तो मैंने इसको एंटर कर दिया। आपको जो भी ओटीपी वहां पर मिले आपको उस ओटीपी को यहाँ पर डाल देना है। जैसे आप ऐसा करोगे यहाँ पर आप देख सकते हैं पासवर्ड सेट हो चुका है सक्सेसफुली, रिटर्न टू सेटिंग्स का एक ऑप्शन मिल जाएगा, आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके यहाँ पर तीन सेटिंग्स आ जाएगी, एक तो चेंज पासवर्ड की, एक डिसेबल पासवर्ड और एक चेंज रिकवरी ईमेल। अगर आपको इन तीनों सेटिंग्स के बारे में जानना है कि किस तरीके से इन तीनों सेटिंग्स को आप यूज में ले सकते हो, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, सिंपली वहां जाकर के आप उन वीडियोस को देख सकते हो। फिलहाल के लिए आपका जो टू स्टेप वेरिफिकेशन का जो सेटिंग था वो ऑन हो चुकी है, अब आप बैक जा सकते हो। और जैसे मैं यहाँ पर बैक आता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं टू स्टेप वेरिफिकेशन के सामने यहाँ पर ऑफ लिखा हुआ था, यहाँ पर अब आप देख सकते हो ऑन लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स आइए आपको अच्छे सब कुछ क्लियर हो गया हो कि आप किस तरीके से अपने टेलीग्राम अकाउंट के ऊपर टू स्टेप वेरिफिकेशन वाली सेटिंग को ऑन कर सकते हो। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसे लगी, यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।